वेलकम टू मॉडर्न मार्ट। ये देख सकते हैं आप कि ये 9 इंच कट हो गया है हमारी मशीन से, जो कि कहा जाता है फिल्म कह के, ये कट हो चुका है पूरा का पूरा। आप देख सकते हैं कितना मोटा थिकनेस इसकी कटिंग होके आई है। ये है हमारा 9 इंच, देख सकते हैं आप थिकनेस। आप देख सकते हैं क्या मैं इसको पन्नी को, जो आपको 9 इंच बताया जा रहा है कि हम ये 9 इंच बेच रहे हैं, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको कुछ वीडियोस के अंदर कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, जो कि पॉइंट्स आपको समझाऊंगा भी और बताऊंगा भी। तो ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसमें BIS के बारे में बताने वाला हूँ, अदर कॉम्पिटिटर्स या अदर लोग क्या आपको मिसगाइड करते हैं, ये सारी चीजें मैं डिस्क्लोज करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में बने रहिएगा और मैं 9 इंच के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक वीडियो देखी और वीडियो देखने के बाद सभी चीजों के अंदर मुझे जानकारी मिली कि ये कहा जा रहा है कि जो BIS सर्टिफिकेशन है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, मतलब कि इंडिया के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कोई चीज रेडी की जाए इलेक्ट्रॉनिक आइटम, वो हमारी मशीन के अंदर नहीं आता। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी स्क्रीन के आप साइड में देख सकते हैं, वीडियो के अंदर BIS का सर्टिफिकेट आ जाएगा, आप BIS का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, जिसमें आप सर्टिफिकेट के अंदर पूरा पढ़ सकते हैं कि मॉडर्न मार्ट का ये BIS सर्टिफिकेट मॉडर्न मार्ट की मशीन के लिए बना है, जिसमें लिखा है कि मॉडर्न मार्ट एज रजिस्टर्ड BIS सर्टिफायर मैन्युफैक्चरर। आप BIS के सर्टिफिकेट में हमारा देख सकते हैं। रही बात अदर सेलर कहते हैं हमारा भी BIS है, तो उनको एक बार कहिए कि क्या BIS उनके कंपनी के नेम क्या है, क्योंकि कंपनी का नेम रखना ना बहुत आसान होता है कि हमने एक नाम रख दिया, हमने चाइना से मशीन मंगाई उन्हीं के BIS रजिस्टर्ड पे, जो कि उन्हीं का रजिस्टर्ड BIS है, यहाँ इंडियन BIS भी नहीं है। एक काम करिए करिएगा, जानकारी के लिए थोड़ी मैं इंफॉर्मेशन और क्लियर कर दूं, BIS हमेशा जो रजिस्टर्ड होता है वो उसी कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड होगा जो भी उस मशीन को बेच रहा होगा। तो आप पूछिएगा कि आप बेच रहे हैं तो क्या BIS का रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट आपके नाम पर है या आपकी कंपनी के नेम पर है, तो आप ये जरा चेक कर सकते हैं और हमारा आपकी स्क्रीन के साइड पे देख रहे हैं। अगली चीज पर आते हैं हम कि वो कहते हैं कि हमारी मशीन के अंदर 9 इंच की कटिंग नहीं हो पाती। तो जरा 9 इंच को मैं क्लियर कर दूं, आपको वीडियो के अंदर पीली शीट दिखाई जाती है, येलो कलर की शीट, वो येलो कलर की शीट ना ये है, हम आपको 9 इंच की कटिंग करके दिखाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको सिर्फ अब क्लियर करता हूँ कि 9 इंच के नाम पे जो पीली शीट दिखाई जाती है वो ये है, वो क्या है, इसको बिल्कुल लेमिनेशन ही कहते हैं, जो कि उन्होंने भी लेमिनेशन ही कहा, और वो हमारे अपनी लेमिनेशन दिखा के ये बता रहे हैं कि मॉडर्न मार्ट की। देखिए, सबका काम है अपनी प्रोडक्ट को बेस्ट बताना, हमारा भी काम है हमारे प्रोडक्ट को बेस्ट बताना, बट ये काम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि दूसरे के प्रोडक्ट को बेकार बताना, क्योंकि आप बायर हैं, आप समझिए चीजों को अच्छे से कि कौन सी चीज कहाँ पे है। आप 9 इंच को देखना चाहते हैं, आप हमारे शोरूम पे विजिट करिए और 9 इंच को देखिए कितनी थिकनेस है। थिकनेस मैं रिलीज पेपर के साथ नहीं कह रहा, आप आइएगा थिकनेस देखिएगा जो कि पीस उन पे लगना है, मैं आपको कटिंग करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर इस बात को हम खत्म करके आपको टेस्ट करके दिखा दूं। और चीज बताना चाहूंगा, जैसे कि आपको एप्लीकेशन में दिखाया जाता होगा कि लैपटॉप के डिजाइन भी है, तो क्या लैपटॉप के डिजाइन 8 इंच के प्लॉटर में कर सकते हैं, पॉसिबल है ये चीज? हाँ, उनके बड़े प्लॉटर होंगे, छोटे प्लॉटर होंगे, अलग अलग प्लॉटर होंगे, बट ये तो मिसगाइड ना किया जाए कि एप्लीकेशन के अंदर बड़े लैपटॉप भी है, लैपटॉप का करेंगे क्या, कटिंग कैसे होगा 8 इंच के प्लॉटर पे? 8 इंच के प्लॉटर मार्केट में बहुत सारे हैं, आप जिस कंपनी के बारे में, जैसे US कंपनी के नाम लिया गया जा रहा है कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, और ये फैक्ट है ये कंपनी बहुत अच्छी है प्लॉटर के लिए, बट क्या ये प्लॉटर उसके लिए भी अच्छा है जो मोबाइल स्क्रीन की कटिंग करनी है? तो उसके लिए फैसला आपको लेना है। रही बात हम चीजों पे आते हैं हम नेक्स्ट चीज पे कि यहाँ पर इस बारे में कि क्या ये डिजाइन सेंटर में कट होगा या टी शर्ट पे आपको जो लगा के दिखाया जा रहा है, क्या ये मशीन नहीं कर सकती? इस मशीन का फर्स्ट पर्पस यही है कि आपकी एक साल के बाद जो भी आपसे हम अमाउंट लेंगे, दुनिया 5500 लेके दी है, हम 6000 लेते हैं, हम 6000 लेते हैं, और वो 500 रुपए कम लेके आपको शायद बताना चाहे कि हम कम लेते हैं, डिपेंड करता है सर्विस पे। हम टीचर प्रिंटिंग का काम नहीं करते, हम सप्लीमेशन का काम नहीं करते, हमारा काम आज से 7 साल पहले मोबाइल स्किन का ही था, आज भी मोबाइल स्किन का है। हम ऐसा नहीं है कि हम
आज सीजन आया तो हम आज ये बेचेंगे, कल सीजन किसी चीज का आएगा तो हम वो बेचेंगे। हम कभी राखी के सीजन पे राखियां या किसी अदर सीजन पे वो चीजें नहीं बेचते। हमारा मोबाइल स्किन का सिस्टम है, मोबाइल स्किन का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग है हमारी कंप्लीट और हमारा उसी चीज का बिजनेस है। तो आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा, आप उसी से जुड़े, हमसे नहीं, सिर्फ उसी से जुड़े जिनका मोबाइल स्किन का ही बिजनेस है, क्योंकि वो आपको सपोर्ट देंगे। मोबाइल स्किन के लिए उनको नॉलेज है, ये नहीं कि आज ट्रेंडिंग है मोबाइल स्किन तो आज मोबाइल स्किन हमारा बिजनेस है, कल ट्रेंडिंग हो जाएगा पिलोज का तो कल पिलोज हमारा बिजनेस है, परसों ट्रेंडिंग हो जाएगा मग्स का तो मग्स हमारा बिजनेस है। नहीं, बिजनेस एक होता है, उसके अंदर वैरायटीज जुड़ती है। हमारा मोबाइल स्किन का बिजनेस है तो कभी एंग्रेव स्किन आ गया, तो कभी लेजर स्किन आ गया, कभी एलीट आ गया, तो कभी कोई स्किन आ गया, स्किन जुड़ती रहती है। तो मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा, फीचर इसमें बहुत है, फीचर्स की मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। इसमें हमारे इतने फीचर्स हैं कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी उसमें फीचर्स आप गिनते रह जाइएगा और लिख लीजिएगा कि कितने तरह के फीचर आते हैं। फिर देखते हैं कि कौन अपने चीजों के अंदर छोटी चीजें बताएगा कि हमारे ये फीचर मिल जाएगा, ये फीचर मिल जाएगा। हम आपको टेस्टिंग करके भी दिखाएंगे सभी फीचर्स के लिए। अगली चीज पर आते हैं, तो दूसरी चीज मैं आपके सामने ये क्लियर करना चाहूंगा, जो भी हमारे मित्र हैं जो भी वीडियोस बनाते हैं अधूरी नॉलेज के साथ, तो टेम्पर्ड ग्लास कोई ग्लास नहीं होता। टेम्पर एक है कि टेम्परिंग, उस चीज को टूटने से बचाना, ये होता है टेम्पर्ड का मतलब। टेम्पर्ड का मतलब है कि स्क्रीन पर लगाने पे उसकी प्रोटेक्शन देना। तो टेम्पर्ड ग्लास की कटिंग तो आप ग्राफटेक का नाम ले या आप किसी मर्जी का नाम ले, ग्लास की कटिंग तो कोई प्लॉटर नहीं कर सकता, इवन आपकी लेजर भी नहीं कर सकती जो आप कह रहे हैं कि लॉन्च करने के लिए। क्योंकि हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम सिर्फ बेचें। कभी लेजर लॉन्च कर दी तो कभी छोटा प्लॉटर लॉन्च कर दिया, तो कभी 24 तो कभी 16 तो कभी 12 तो कभी 8, अलग अलग साइज के प्लॉटर लॉन्च करने से फायदा कुछ नहीं है। आप वो काम करिए एक ही मशीन से, क्योंकि हमारी मशीन करती है, हमारी मशीन 9H कट करेगी। और आपकी पन्नी मटेरियल नहीं, जो येलो कलर की दिखाई जाती है जो कि बहुत पतला मटेरियल होता है, ये मटेरियल नहीं कट करके दिखाएंगे हम, ये कट करके दिखाएंगे जो कि आपको समझ आ रहा होगा कि 9H एक्चुअल 9H है। तो दिखाएंगे सेरेमिक मैट है, सेरेमिक मैट सबसे थिक मटेरियल होता है, इसको मैं कट करके दिखाऊंगा आपको, ये कट हो सकता है नहीं हो सकता। ये तो दुनिया की छोटी छोटी मशीन भी कर लेगी, ये तो किसका कुछ मतलब ही नहीं है, हम इसको काउंट भी नहीं करते, हम इसकी बात कर रहे हैं 9H इसे कहते हैं। थोड़ा मैं क्लियर कर दूं, समझा दूं, क्योंकि आपका जो बिजनेस नहीं है अगर आप उसके बारे में बोलते हैं तो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन अधूरी रह जाती है। कभी भी कोई भी चाहे मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं, मेरे लिए सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, चाहे मैं कंप्यूटर किसी को नहीं मानता, क्योंकि मैं मॉडर्न मार्ट की क्लाइंट में किसी को काउंट भी नहीं करता, क्योंकि मॉडर्न मार्ट एक ब्रांड बना है आप कस्टमर की सपोर्ट से, ना कि प्रोडक्ट की ट्रेंडिंग हो जाने की वजह से। मॉडर्न मार्ट पे अब जो मैं आपको चीजें बताने जा रहा हूँ, सबसे मेन चीज आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, मॉडर्न मार्ट पे जितनी प्रोडक्ट आपको मिलेंगे वो हमेशा आपको अवेलेबल मिलेंगे। आपको ये चीज कही जाती है कि जो 9H है, 9H में आपको लेजर लेनी पड़ेगी, तो जरूरत नहीं लेजर लेने की, आप हमसे हमारी मशीन लीजिए, ये वही काम करेगी 9H कट करने का, ये स्किन कट करेगी पतली से पतली, मोटी से मोटी। और कही जाती है ना कुछ बातें इम्पॉसिबल, ये तो 9H कट करना तो इम्पॉसिबल है ग्राफटेक के लिए भी, तो मैं बताना चाहूंगा इम्पॉसिबल उनके लिए जिनको पॉसिबल नहीं करना आता। हमारे लिए तो ये कट करना भी पॉसिबल है। आज से 1.5 साल पहले फरवरी 2020 के अंदर जब मेरी वीडियो आई थी तब भी मैंने 9H के लिए बोला था, और आज ये 9H कट करके भी दिखा रहे हैं। तो इम्पॉसिबल उनके लिए है जिन्होंने सॉफ्टवेयर उठा लिया इसका कंपनी से, OEM अपने नाम का करा लिया, प्लॉटर उठा लिया USA से अपने नाम का करा लिया, और यहाँ पे बना के आपको बेचना शुरू करा। हमारा सॉफ्टवेयर भी खुद का है, प्लॉटर भी खुद का है, BIS स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन भी हमारी खुद की है, सारी चीज़ें हमारी खुद की है। मोबाइल स्किन्स का बिजनेस भी हमारा बहुत पुराना चल रहा है, तो हम आपको ये चीज़ की अश्योरिटी दे सकते हैं। रही बात नॉलेज की कि हम क्या चीज़ कस्टमर को दे रहे हैं, कस्टमर को हम गाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कस्टमर को गाइडेंस जितनी यहाँ पर हम दे सकते हैं सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, प्लॉटर के रिगार्डिंग, किसी चीज़ के रिगार्डिंग, वो सिर्फ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और बड़े साइज के प्लॉटर, क्योंकि डिस्काउंट दे दे के तो हर कोई बेच सकता है, कभी 50,000 वाली चीज़ को 49 की, कभी 55 वाली चीज़ की 48 की 40, ये चीज़ डिस्काउंट मॉडर्न मार्ट इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, क्योंकि स्टॉक होने पर हमारे पास तो प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक हो भी नहीं पाता। बुकिंग इतनी एडवांस में चलती है कि हमें एक 2,000 रुपये का सिर्फ एडवांस अमाउंट लेना पड़ता है, उस 2,000 से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2,000 रुपये से हमारे प्लॉटर जो है हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग करें। 2,000 एक बुकिंग अमाउंट रहता है कि हमें एक श्योरिटी है ये मशीन इनके लिए मैन्युफैक्चर होनी है और ये मशीन हमारे पास एक्सेस रहेंगे।
और कहीं कहीं बार किसी के पास स्टॉक इतना पड़ा रहता है कि उनको डिस्काउंट लगाने पड़ते हैं, इसका ये डिस्काउंट आ गया, इसका ये डिस्काउंट आ गया, इसका ये डिस्काउंट आ गया। तो समझ के चलिएगा, डिस्काउंट हमेशा वही लगाते हैं जिनकी चीज़ों में पावर ना हो या वो चीज़ें ना चल रही हों। तो ये चीज़ों के लिए मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि मॉडर्न मार्ट की मशीन में जितनी आपको खूबियाँ मिलेंगी वो खूबियाँ आप ज़रा चेक करिए। इधर उधर बैठ के ये चीज़ें क्लीन करना, वीडियोस बनाना बिल्कुल भी मतलब नहीं बनता, बिल्कुल ये चीज़ों को मैं क्लियर करता हूँ। और अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब जल्द ही लेज़र शुरू करने वाले हैं, ऐसा लोग कहते हैं कि हम लेज़र से 9H कट करके दिखाएंगे और प्लॉटर से स्किन कट करिएगा। अब ये चीज़ सोचिए कितनी इन्वेस्टमेंट आप लोग करेंगे, कस्टमर एज अ कस्टमर अपने दुकानों पे कितनी मशीन लगाएंगे, क्या धुएं वाली मशीन भी लगाएंगे जिसके अंदर धुआं छोड़े पानी उसमें डालते रहें और एग्जॉस्टर का धुआं निकालते रहें, आपका एरिया जो है इंडस्ट्रियल है या नहीं है, प्रॉब्लम आ सकती नहीं हो सकती। बट हमारी मशीन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर आप 9H भी कट करिए, 9H को लगाइए, स्किन लगाइए, हाफ लगाइए, बैक लगाइए, फुल लगाइए। और 8 इंच की तरह ऐसा नहीं है कि 8 इंच में हमारा लैपटॉप नहीं कटेगा, इसके अंदर लैपटॉप पूरा कट जाएगा क्योंकि 12.5 इंच का प्रोडक्ट रहता है, कटिंग एरिया बड़ा तो उससे भी ज़्यादा ही है। अब इसके अंदर जो पेपर फीडिंग साइज है वो ज़्यादा है, तो आपको जो येलो कलर की फिल्म दिखाई जाती है वो एक्चुअल में ये होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लेयर उतारी, एक लेयर उतारी, ये ऊपर से लेयर उतारी, ये आपको ये दिखाई जा रही थी कि हम 9H इसको कहते हैं, ये हमारा 9H है, ये हम 9H इसको बता रहे हैं, ये इस चीज़ को। तो एक्चुअल में आपको बताना चाहूँ कि हम इसको 9H नहीं कह रहे, इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ 9H है, इसको हम दिखाते हैं आपको कि इसकी थिकनेस, ये है हमारा 9H, देख सकते हैं आप थिकनेस, आप देख सकते हैं क्या मैं इसको पन्नी को जो आपको 9H बताया जा रहा है कि हम ये 9H बेच रहे हैं, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं कि कौन सा 9H हम एक्चुअल 9H हमारा क्या है, और ये जिसको 9H कहा जा रहा है कि हम 9H ये बेच रहे हैं आपको कट करके दिखा रहे हैं, तो वो यही कट कर सकते हैं, उनकी मशीन कर भी यही सकती है। बट हमारी मशीन ये कर सकती है जो मैंने आपको दिखाया, इसकी मजबूती, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, इसको आप जैसे मर्जी कर लें, इसको लगाया, इसको दोबारा रिमूव कर लें, 9H ये है, एक्चुअल 9H ही होता है, ये पन्नी ही नहीं जो कि आपको 9H कह के दी जा रही है, वो वही कट कर सकते हैं, ये वाली चीज़ हो सकती है, ये 9H है एक्चुअल में। तो अब मैं आपको कट करके दिखाऊंगा हमारा सबसे थिक 9H जो कि ये 9H भी है। हम ये प्रेफर नहीं करते, बट गलत फहमी दूर करने के लिए, हमारी मशीन की पावर बताने के लिए मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा कि ये 9H हम कैसे कट करके दिखा सकते हैं, इस मशीन में हमारी ये भी कट कर सकती है। ये तो मैं आपको कट करके दिखा चुका हूँ हमारी वीडियो में, लिंक में दे दूंगा, ये आज मैं आपको कट करके दिखाऊंगा, ये प्रेफर नहीं है बट फिर भी कट करके दिखाऊंगा मैं। ये मैंने 9H यहाँ पे लगा दिया, अब मैं यहाँ पे कटिंग की कमांड दूंगा, सिर्फ एक स्क्वायर कट करके दिखाऊंगा, सेम वही 9H है, आप देख सकते हैं, अब कटिंग की कमांड जाएगी। अब अब आपको दिखाऊंगा कि इसकी एक्चुअल पावर, ये देख सकते हैं आप कि ये 9H कट हो गया है हमारी मशीन से, जो कि कहा जाता है फिल्म कह के। इसके ऊपर की लेयर मैं आपको उतार के दिखा देता हूँ ब्लू कलर की, कि आप समझ पाएं सेरेमिक मैट सबसे थिकर 9H है जो कि मार्केट में मिलता भी होगा। ये देखिए इसकी थिकनेस, शायद मुश्किल से दिख पा रही हो, पर ये आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये हमने कट करके दिखा दिया आपको, हमारी मशीन ये 9H भी कट कर सकती है, बट हम प्रेफर नहीं करते, आप सिर्फ 9H कट करिए जो कि इस मशीन के साथ प्रोवाइड हो रहा है। तो मैंने आपको ये 9H कट करके दिखाया है, अब मैं आपको एक और चीज़ कट करके दिखाऊंगा जो कि उनके लिए फिर से इम्पॉसिबल होगा, कि ये 9H से भी डबल थिकनेस मैं दोबारा आपको काट करके दिखाता हूँ। तो आपको मैंने अब तक सिर्फ दिखाया था 570 माइक्रोन तक का, अब मैं आपको दिखाऊंगा ये कपड़ा कट करके, कि ये कपड़ा कितने माइक्रोन का है, इसको मैं पूरा कट करके दिखाऊंगा। ये देखिए 1.33, मतलब कि इसका है 1260 माइक्रोन, मतलब कि 9H की जो थिकनेस है
उससे डबल से भी ज्यादा। उसकी थिकनेस थी 51 माइक्रोन, मतलब कि 510 माइक्रोन, इसकी है 1250 माइक्रोन। जरा आप ये चेक कर लीजिए इसकी थिकनेस क्या है जो हमने अभी कट करी है। मतलब 400 फिल्म हटा के आपको इसकी थिकनेस दिखाऊंगा, इसकी थिकनेस कितनी है आप देख सकते हैं। अब मैं आपको ये कट करके दिखाऊंगा जो सबके लिए इम्पॉसिबल होगा। ये पेपर है, सॉरी ये क्लोथ है, इसकी थिकनेस देखिए 1.23, मतलब कि लगभग 1200 माइक्रोन, अप्रॉक्सीमेटली 1200-1150 माइक्रोन है। इसको अब मैं कट करके दिखाऊंगा आपको, दोबारा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं सेम वही 9H का जितना स्क्वायर कट हुआ था उसकी सेम थिकनेस मैं आपको कट करके दोबारा दिखाऊंगा। ये मैंने कटिंग की कमांड इसको दे दी है। अभी आपको मैं निकाल के दिखा देता हूँ। हमने ये शीट नीचे इसलिए रखी थी कि ज़्यादा प्रेशर की वजह से मशीन को डैमेज ना हो। ये कट हो चुका है पूरा का पूरा, आप देख सकते हैं कितना मोटा थिकनेस इसकी कटिंग होके आई है। ये देख सकते हैं सेम ये उसी मशीन उसी एरिया से कट हुआ है जो 9H जहाँ पे हमने कट किया था, सेम वही चीज़ है। और ये भी हम पॉसिबल है हमारी मशीन से। मैंने आपको आज 9H दिखा दिया। अगर आप 9H को देखना चाहते हैं लाइव अपने हाथ में लेके शोरूम पे आके हमारे, तो आप आ सकते हैं। 9H की सैंपल आपको वहाँ पे मिलेंगे। 20 सितंबर से 9H के प्लान भी हमारे एक्टिवेट हो जाएंगे पुरानी मशीन के लिए। तो हमारे सभी कस्टमर्स जो अभी एक्टिवेटेड हैं 5100 से ज्यादा, उनको मैं बताना चाहूंगा कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी 20 सितंबर तक हमारी एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि हम अपडेटिंग कर रहे हैं, काफी नए फीचर्स आने वाले हैं और 9H का प्लान शुरू होने वाला है। तो उसके लिए स्टार्टिंग में हम आपकी वेरिफिकेशन कराएंगे। आप अपने सभी बिल्स अपने तैयार रखें, आपको मैसेज या कॉल आएगा, आप बिल शेयर कीजिए, आपकी मशीन हैंड टू हैंड साथ में साथ स्टार्ट होती रहेगी। और रही बात इम्पॉसिबिलिटी की कि क्या क्या नहीं कर सकती, तो आज मैंने आपको इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबल करके दिखा दी है। क्योंकि मॉडर्न मार्ट का पर्पस ही यही है कि कम से कम अमाउंट के अंदर आपको मैक्सिमम चीजें प्रोवाइड कर देना। ये नहीं कहते हम कि आप हमसे 25,000 का लीजिए, 32,000 रुपए की एप्लीकेशन लीजिए, 38,000 रुपए का 12 इंच लीजिए, 45,000 रुपए का आप हमसे 16 इंच लीजिए, या 49,000 या 50,000 रुपए का कुछ भी हमसे 24 इंची लीजिए आप, या हमसे फिर ब्लेजर आ जाएगी तो 60,000 या 65,000 रुपए हमसे लेजर लीजिए आप, हमसे एक प्लॉटर लीजिए और सारे काम एक साथ कर लीजिए। दैट्स इट। एक मशीन लगानी है जो कि इंडस्ट्री ले लेगा, मतलब नहीं है कोई धुआं नहीं छोड़ती, सिर्फ आपको ब्लेड बदलना है जो कि हम कहने को दुनिया के हिसाब से चाइनीज मशीन है, बट अगर कोई काम US ना कर पाए तो फिर तो उससे बेटर है कि हमारी इंडियन मशीन ही बेस्ट है, हमारी इंडियन एप्लीकेशन ही बेस्ट है, हम उसमें सारी अपडेटिंग करके दे सकते हैं। क्योंकि हम US की ब्रांड की मशीन चाइना से मंगा रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर यहाँ से ले रहे हैं, उसको अपने नाम का करा रहे हैं, मशीन को अपने नाम का दिखा रहे हैं और फिर उसको अपने नाम से करके बेच रहे हैं। हमें वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है कि जहाँ पे हम सर्विस ना दे पाए। चाइनीज़ का नाम आता है कि भाई दूसरी कंपनी से चाइनीज प्लॉटर बेच रहे हैं, चाइनीज एप्लीकेशन बंद हो जाएगी, तो क्या आपका प्लॉटर बंद नहीं हो जाएगा? क्या आपकी सारी चीज़ें अगर अदर मैनुफैक्चर OEM जो आप सॉफ्टवेयर करा रहे हैं, क्या आपका सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा? हर चीज आपकी भी बंद हो जाएगी अगर इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो। बट हमारा इंडियन ऐप के साथ साथ हमारी खुद की एप्लीकेशन है, इंडियन ऐप नहीं कहेंगे हम इसको, इंडियन ऐप तो इंडियन मैन्युफैक्चरर और भी होंगे जो बना के आपको आपके नाम की दे देंगे। मॉडर्न मार्ट की खुद की ऐप, मॉडर्न मार्ट की खुद की मशीन, मॉडर्न मार्ट इसके लिए सपोर्ट हमेशा देगा 1 साल तक। 1 साल के बाद आप पेड सपोर्ट इसके साथ फिर भी ले सकते हैं कि हमारी मशीन में ये प्रॉब्लम आई है, कोई पार्ट्स चलने हैं तो वो आपको मिल जाएंगे मॉडर्न मार्ट से ही। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में आप बताइएगा कि आपको चीज़ें सारी समझ आई या नहीं आई, कोई चीज़ रह गई है तो मैं उसको दोबारा क्लियर कर सकूँ। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको मॉडर्न मार्ट की मशीन के सारे वो फीचर्स बताने जाने वाला हूँ जो कि फीचर्स कहीं नहीं मिलेंगे आपको। पूरा कंपेयर वीडियो पुरानी एक अगली वीडियो आएगी, लंबी वीडियो रहेगी, उसको ध्यान रखिएगा। थैंक यू।